नमस्कार, शुभ प्रभात। बी प्रथम वर्ष के स्नेह छात्राओं, मैं कुमार संतोष, महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना भी करता हूँ कि आपके लिए नूतन प्रवेश नवीन बुलंदियों, नवीन ऊंचाइयों के साथ हो। आज की इस वीडियो में हम परिचर्चा करेंगे आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक प्रमुख पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम होता है नीति सत्कम। नीति सत्कम के संदर्भ में हम आपसे आज के इस वीडियो में परिचर्चा करते हैं। लेकिन साहित्य के विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य के मनुष्यों के अंतर्गत ये परंपरा सर्वथा प्रचलित है, जब भी वो किसी नूतन या नवीन कार्य का शुभारंभ करते हैं या श्री गणेश करते हैं, तो सर्वप्रथम उसकी एपिक में समाप्ति के लिए जो देवी वंदना की जाती है, जो देवी स्तुति की जाती है, उसी परंपरा का निर्वहन मैं कुमार संतोष करते हुए आज की इस वीडियो की शुभारंभ करेंगे। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुभंगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिवृंदानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो आपके पाठ्यक्रम में एक प्रमुख पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम होता है नीति सत्कम। सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि इस प्रकार की पुस्तक की प्रणेता यानी प्रवर्तक कौन है। तो प्रणेता के रूप में योगिराज महर्षि भर्तृहरि का नाम बड़े ही आदर और सम्मान पूर्वक साहित्य जगत में लिया जाता है। ये संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित हुए और इस प्रकार का प्रकांड पंडित, प्रखर प्रतिभा का धनी, जिन्होंने साहित्य जगत को तीन तीन शतकों की रचना एक धरोहर के रूप में प्रदान की, तो इनका जो समय है वो सातवीं शताब्दी, छठवीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, छठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध या सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध। अब देखें साहब, आपके पाठ्यक्रम में जो ये रचना है कौन सी नीति सत्कम, वो काव्य की किस विधा के अंतर्गत आती है ये देखना है आपको। तो मुक्तक काव्य की श्रेणी में परिगणित है। काव्य की विधाएं होती है जैसे महाकाव्य, खंडकाव्य, गीतिकाव्य। तो ठीक उसी प्रकार से आपका जो ये नीति सत्कम है वो मुक्तक काव्य की परंपरा का एक सर्वोत्कृष्ट संस्कृत जगत का नीति ग्रंथ माना जाता है। अब प्रश्न आपके मन और मस्तिष्क में ये भी उठ रहा होगा कि मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। तो आपको दो महाकाव्य और मुक्तक काव्य, इनमें तुलनात्मक मैं आपको भेज बता रहा हूँ कि महाकाव्य क्या होता है, सर्गबद्ध होता है और उसमें किसी एक ही नायक विशेष की के बारे में जानकारी दी हुई होती है। जैसे आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें सब भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। लेकिन मुक्तक काव्य में ऐसा नहीं होता है। मुक्तक काव्य का प्रत्येक श्लोक क्या होता है, स्वतंत्र होता है, किसी विषय वस्तु से बंधा हुआ नहीं होता है। इसी प्रकार से जब आप ये पढ़ेंगे क्या नीति सत्कम, तो इसकी विषय वस्तु एक पर नहीं है, अनेकों पर आधारित है। जैसे मूर्ख पद्धति, सबसे पहले मूर्ख के बारे में बताया जाएगा, फिर विद्वानों के बारे में बताया जाएगा, फिर मान सम्मान के बारे में बताया जाएगा, फिर धन के बारे में बताया जाएगा, फिर दुर्जन के बारे में, सज्जन के बारे में, परोपकार के संदर्भ में, देव के संदर्भ में यानी भाग्य और कर्म, उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो ये मुक्तक काव्य की श्रेणी का एक सर्वोत्कृष्ट नीति ग्रंथ है। यदा कदा आपके विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नीति सत्कम है वो काव्य की कौन सी विधा का है, तो उस विधा का नाम होता है मुक्तक काव्य विधा। अब देखें आप भर्तृहरि, जब आप पढ़ रहे हैं महर्षि भर्तृहरि पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उनके कृतित्व के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए कि उनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए। उनकी जो रचना है वो साहित्य जगत में शतक त्रय के रूप में विख्यात है। शतक अर्थात 100 से ज्यादा श्लोकों का जो संग्रह होता है उसको शतक के नाम से जानते हैं, और तीन शतक इनके द्वारा
धरोहर के रूप में दिए संस्कृत प्रेमियों के लिए, और वो शतक होते हैं आपके नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भर्तृहरि की रचनाओं के नाम लिखिए, तो भर्तृहरि की तीन रचनाएं, तीन शतक हैं, कौन कौन से? नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। अब देखिए, भर्तृहरि जो कि उज्जैन के राजा थे, इनका प्रारंभिक जीवन श्रृंगारिकता से उत्प्रोत था, क्योंकि जब ये राजा थे तो अपनी महारानी पिंगला से अक्सर स्नेह करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उनके उसमें रहते थे, राजकार पाठ की कोई सुध नहीं थी, तो प्रारंभिक जीवन इनका श्रृंगारिक रहा। तो पहली रचना इनकी श्रृंगार शतक मानी जाती है, लेकिन जब इनको एक दिन वास्तविकता का भान हुआ कि जिस महारानी को ये अक्सर प्रेम करते हैं, अक्सर स्नेह करते हैं, वो महारानी किसी पर पुरुष को चाहती है और वो पर पुरुष भी किसी अन्य गणिका को चाहता है, तो इस प्रकार की जब इनको वास्तविकता जीवन की पता लगी कि संसार में कोई किसी का होता नहीं है, और ये बात सत्य भी है कि कोई किसी का होता नहीं है, तो इन्होंने सांसारिक जीवन से वैराग्य ले लिया, और वैराग्य लेने पर इन्होंने क्या किया, देशाटन किया, यानी कि स्थान स्थान पर भ्रमण किया, और उन सारे अनुभवों को इन्होंने अपनी कृति, अपनी रचना वैराग्य शतक में वर्णित किया। जब इनको देशाटन करने के उपरांत यानी कि घाट घाट का पानी पी लिया, तो बहुत ज्यादा अनुभवी हुए, और उस संपूर्ण वृतांत को इन्होंने, उन सारे लोक व्यवहार को इन्होंने जन सामान्य के लिए शिक्षा देने के लिए अपनी रचना नीति शतक में क्या किया, वर्णित किया, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। नीति शतक, नीति शतक यानी कि जिसमें नीति शतक की जब बात होती है तो सबसे पहले कनिष्ठा पर अगर किसी नीति ग्रंथ का नाम आता है तो उस नीति ग्रंथ का नाम होता है नीति शतकम, जिसके प्रणेता कौन है, योगीराज महर्षि भर्तृहरि इसके प्रणेता और प्रवर्तक हैं, और इस नीति शतक में आपको कई प्रकार के बारे में पढ़ने को मिलेगा, कई बिंदुओं पर चर्चा विस्तार पूर्वक की गई है, मूर्खों के बारे में भी बताया गया है, विद्वान के बारे में बताया गया है कि विद्वान सर्वत्र पूजे थे, कि विद्वान ऐसे होते हैं वो सभी जगह पूजे जाते हैं, विद्वानों के बाद आप पढ़ेंगे मान सम्मान इनके व्यक्ति को सब कुछ से समझौता, सब कुछ गवा देना चाहिए, लेकिन अपने मान और स्वाभिमान की हमेशा सदैव रक्षा करनी चाहिए। अर्थ पद्धति धन के बारे में भी पढ़ेंगे कि सर्वम गुणा कांचनम आसन्ति, कि सभी जो गुण होते हैं वो वस्तुतः क्या होते हैं, सोने में होते हैं यानी धन में होते हैं। दुर्जन के बारे में बढ़ाया गया, बहुत अच्छा श्लोक आता है, दुर्जनो पर्यर्तव्यो विद्यारंगतो अपि सने मणिना भूषित सर्व तिमौसौ न भयंकर है, कि दुर्जन व्यक्ति का हमें परित्याग कर लेना चाहिए, चाहे वो कितनी ही मणियों से विभूषित क्यों ना हो, क्योंकि कितनी भी विद्याओं से युक्त क्यों ना हो, क्योंकि मणि से भूषित सर्व क्या भयंकर नहीं होते, अर्थात भयंकर होते हैं, सर्व का स्वभाव क्या होता है वो उसी प्रकार से दुर्जन का स्वभाव होता है। सज्जनों के बारे में बताया गया है, सत्संगति के बारे में भी बताया गया है, परोपकार के बारे में बताया गया है कि परोपकाराय फलंति हृदय, परोपकार वहंती हृदय, परोपकाराय परोपकार के संदर्भ में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, और देव भाग्य के बारे में भी बताया गया है, और कर्म के बारे में भी कि उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणी ना ही मनोरथ ना ही सप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा, कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मन की इच्छा और अभिलाषाओं से, क्योंकि सोते हुए शेर के मुख में शिकार स्वतः ही प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, देशाटन करना पड़ता है, था शिकार की तलाश करनी पड़ती है। तो और एक बात आपके लिए बता देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि इस नीति शतक में सारे के सारी बातें शिक्षा प्रद है। आशा करता हूँ कि उन भर्तृहरि की जो रचना है, भर्तृहरि की जो शिक्षा है, उनसे आप रूबरू होने के उपरांत तदनुकूल आप अपना आज उसके अकॉर्डिंग आचरण करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि सच्चे अर्थों में शिक्षा वही मानी जाती है जो सिद्धांत आप पढ़ें तदनुकूल क्या करें, आचरण करें, तो आप सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं, अन्यथा पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तो आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन को नवीन दिशा और दृष्टि प्रदान करने में आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी क्या ये भर्तृहरि की रचना नीति शतकम। और उन्हें उम्मीद आपसे यही है कि जो शिक्षाएं भर्तृहरि ने आपके लिए दी हैं उनको आप अपने व्यवहार में डालें, आचरण में लाएं, तभी आप क्या हैं, सच्चे अर्थों में शिक्षित हैं।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूँ विदा। जय श्री कृष्ण।